हेलो गाइस, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपको पारा मेडिकल के बारे में। देखिए, पारा मेडिकल का एग्ज़ाम हुआ था, पारा मेडिकल और पारा मेडिकल मैट्रिक। पीएम मतलब पारा मेडिकल हो जाएगा आपको, और पीएमएम पारा मेडिकल मैट्रिक के लिए हो जाएगा। इंटर वाले के लिए भी था और मैट्रिक वाले के लिए। तो इसका एग्ज़ाम हुआ था, तो इसका रिजल्ट निकला था, ठीक है। और अब क्या होगा, इसका काउंसलिंग स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब आपको अगर मान लीजिए रिजल्ट निकल गया और आप काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, तो काउंसलिंग का डेट का इंतजार कर रहे थे, उसका डेट आपको मिल गया है। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है चॉइस पुलिंग का जो डेट दिया गया है 8 तारीख से, मतलब 8 तारीख से इसका चॉइस पुलिंग के लिए, मतलब ऑनलाइन आपको काउंसलिंग करवाना पड़ेगा। काउंसलिंग करने के बाद, काउंसलिंग में क्या होता है, आपको कॉलेज का लिस्ट है, कॉलेज का लिस्ट आपको चूज करना पड़ेगा। उसके बाद आपको जिस कॉलेज में नाम दिया जाएगा, जैसे फर्स्ट लिस्ट निकलेगा, सेकेंड लिस्ट निकलेगा, तो ऐसे करके लिस्ट निकलता है। अगर आप फर्स्ट लिस्ट में आपका नाम आया, अगर फर्स्ट लिस्ट में आपका नाम मतलब इसमें जाकर एडमिशन नहीं लेते हैं, तो आपको फिर सेकेंड लिस्ट में नाम आपका नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया चलता है। अब समझ जाइएगा, जब आप काउंसलिंग कीजिएगा तो उसके बाद आपको अपने आप पता चल जाएगा। तो पहले हम आपको ये सूचना दे देते हैं कि आखिर ये किसके बारे में, ये आपको पैरामेडिकल और पैरामेडिकल मैट्रिक के बारे में है कि जिसका एग्ज़ाम हुआ था उसका ऑनलाइन काउंसलिंग का डेट 8 तारीख दिया गया। 8 तारीख से पहले आप क्या करें, अपना काउंसलिंग स्टार्ट कर ले, मतलब काउंसलिंग कर ले, ऑनलाइन करना पड़ता है, ऑनलाइन काउंसलिंग कर ले। अब फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा, फुल वीडियो होगा तो पैरामीटर पे हम बनाएंगे, आप कमेंट करके हमको बताइएगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा, हमको पूछिएगा, बताएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।